या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। चैत्र नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और हिंदू धर्म के अनुसार पूरे एक वर्ष में चार नवरात्रि आते हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि। लेकिन नवरात्रि को लेकर के हम लोगों के मन में कई सवाल होते हैं और कई आम सवाल ये होते हैं कि इसे कब मनाया जाता है, कब इसका शुभ मुहूर्त होता है, घट स्थापना कैसे की जाती है, इसकी क्या विधि होती है। इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य और पंडित अमित व्यास जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, कल यानी 9 अप्रैल से। तो सर और कल से ही बताया जा रहा है कि नव संवत्सर का भी कल से ही शुभारंभ हो रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी त्यौहार या पर्व मनाए जाते हैं उनका एक वैज्ञानिक रहस्य है, और वैज्ञानिक रहस्य होने का कारण यह है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर चार प्रकार के मौसम यानी मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। जब मौसम परिवर्तन होता है तो मनुष्य के शरीर पर, उसके मानसिक विकास पर और उसके आर्थिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। अब जहाँ तक सवाल है चैत्री नवरात्रा का, देखिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और अपनी चरम अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं तो उस समय पर गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है, और चूंकि फसली अर्थव्यवस्था होने की वजह से हमारे चैत्र नवरात्रा का जो पर्व है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय पर सारी फसल करीब करीब पक के तैयार हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टि से महत्व रखती हैं। तो माँ दुर्गा का जो चैत्री नवरात्रा का जो पर्व है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय पर ग्रहों की जो चाल है और सूर्य की जो स्थिति है जो काल गणना के लिए कारक माना जाता है, तो जब सूर्य हमारी एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ से हम सभी प्रकार की काल गणनाओं को करने के लिए और विभिन्न प्रकार के ग्रहों का हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका मूल्यांकन करने में बड़ी आसानी रहती है। इसीलिए हमारा जो नव संवत्सर 2081 जो प्रारंभ हो रहा है उन नवरात्रा के ही दिन स्थापित या कह लीजिए कि प्रारंभ होता है। इस दिन ज्योतिषीय गणना करने में भी आसानी रहती है। वहीं दूसरी ओर जब हम किसी भी नए कार्य को करते हैं तो हम स्त्री को एक बहुत बड़ा महत्व इसलिए भी देते रहे हैं क्योंकि स्त्री को हम लोग शक्ति का पर्याय मानते हैं। वहीं दूसरी ओर स्त्री जो है वो जननी भी है, यानी किसी भी चीज़ का क्रिएशन करने के लिए। तो जब 9 ग्रहों को 9 रूपों के रूप में अगर हम किसी रूप में देखते हैं तो वह है नवदुर्गा। तो हर दिन किसी न किसी ग्रह के लिए समर्पित दिन होता है। माँ के अलग अलग स्वरूप हैं। 9 अप्रैल को चैत्री नवरात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। चूंकि शास्त्रों के अनुसार हमारी जो प्रतिपदा तिथि है वो रात्रि को 11:22 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन रात्रि 8:56 तक रहेगी। चूंकि उदया तिथि होने की वजह से पड़वा जो है वो अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा चैत्री नवरात्रा का जो प्रारंभ दिन है वो 9 अप्रैल को निर्धारित है। दूसरी बात ये कि एक प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा पैदा करता है कि हम जब नवरात्रा की पूजा करते हैं तो हमारी धार्मिक आस्थाएं और हमारी व्यवहारिकताएं उनमें कहीं किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं हो, तो ऐसा कौन से मुहूर्त हैं जिस समय पर हमको ऐसी पूजाएं करनी चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि सूर्य उदय होने के बाद ही शास्त्र सम्मत घट स्थापना करने का मत है, और उस मत के आधार पर सूर्य उदय होने से लेकर हम कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। पर चूंकि एक वृद्धि योग होता है जिसमें घट स्थापना करना थोड़ा सा निषिद्ध बताया गया है, मगर शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए और वार से बड़ा त्यौहार और त्यौहार से बड़ा नक्षत्र, अगर इस वाली गतिशीलता के आधार पर बात करते हैं तो हमारा अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग वो सुबह 7:32 से प्रारंभ हो रहा है और जो पूरे दिन भर रहेगा। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, शश योग भी प्रारंभ हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा अगर इस समय पर घट स्थापना की जाती है 7:32 से लेके और 10:16 तक, ये वो एक समय है जो हमारी व्यवहारिकता के लिए भी सही है। और अगर हम इस मुहूर्त में अगर घट स्थापना करते हैं तो सूर्य का जो बल है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमारे को अधिक से अधिक प्राप्त होगी। पर चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जब दो
स्थितियां परिवर्तित होती है उसी को हम लोग अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तो जो मध्यान्ह काल होता है जो कि 11:54 से लेके और 12:56 तक रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, अगर इस समय पर अगर हमारे द्वारा घट स्थापना की जाती है तो भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं या जो हमारी धार्मिक आस्थाएं और भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फलीभूत साबित होंगी। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि हमारे माँ दुर्गा को हम जिस स्वरूप और जिस स्थिति में पूजते हैं उसके लिए अगर मंत्र हमारे पास हैं अथवा नहीं, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि या देवी सर्वभूतेषु, आगे इन्होंने जो बताया, पहले तो मैं उसका आपको मतलब बता देता हूँ कि माँ को पूजने के लिए जिस प्रकार एक बेटा माँ के सामने अपनी जिद रखता है कि मुझे ये खाने को चाहिए, ये पहनने को चाहिए, ठीक हम माँ को जिस प्रकार से याद करते हैं उस माँ को याद करने के लिए हमारे पास मंत्र भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, लेकिन आचार विचार और व्यवहार अगर शुद्ध हैं तो ये मान के चलिए कि हमारी की गई कोई भी पूजा, चाहे वो गलती किसी भी प्रकार से हो जाए, वो क्षम्य है। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने भाव स्पष्ट रखें, तन और मन से अपनी शुद्धता बनाए रखें और माँ के प्रति एक आसक्ति का भाव रखें। जी, इसमें सर एक सवाल निकल के आता है कि चैत्र नवरात्रि में जो अपन पूजा करते हैं तो पूजन विधि क्या है, किस तरीके से स्थापना करें, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखिए क्या होता है कि अगर हम किसी पंडित जी के थ्रू अर्थात हम किसी विद्वान के थ्रू पूजा कराते हैं जी, तो निश्चित रूप से वो काफ़ी भारी भरकम सामान हो जाता है जो कि व्यवहारिक नहीं है। लेकिन हम चूंकि एक दैनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग बाग ऐसे भी हैं जो व्यापार करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ निजी क्षेत्र में है, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में है, तो समय की अनुपलब्धता की वजह से और सामान की उपयोगिता और उसकी उपलब्धता की वजह से भी कई बार हम पूजा को ढंग से नहीं कर पाते हैं। लेकिन माँ को खुश करने के लिए 5 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहला तो यह है कि माँ को जब हम मनाते हैं तो उनके लिए उनका तिलक होना बहुत ज़रूरी है, तो रोली मोली और चावल ये 3 चीज़ें आपकी थाली में होनी चाहिए। एक नारियल होना चाहिए क्योंकि नारियल जो होता है वो हमारे फल एक श्री फल के रूप में होता है, तो हमें कोई सिद्ध फल प्राप्त करना है अपने जीवन में तो माँ के सामने अगर हम फल अर्पित करेंगे तो विभिन्न प्रकार के अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। पर चूँकि माँ को एक हम सौंदर्य से भी जोड़ते हैं, वात्सल्य से भी जोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ को चुनरी पहनाना भी शास्त्र सम्मत है। चूँकि माँ को हम एक तरीके से शादीशुदा नारी के रूप में देखते हैं तो उनको सभी प्रकार के जो सौंदर्य के प्रसाधन हैं, चाहे वो चूड़ी है, बिंदी है या सिंदूर है, इत्यादि भी हमारे माँ के सामने रखने चाहिए। अब चूंकि पूजा जब करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा चालीसा कर लें आप, और दुर्गा चालीसा करने के बाद में घी का दीपक जलाएं। और एक घट स्थापना करना इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे द्वारा हमारे जीवन को, जल को ही जीवन का नाम दिया गया है और जल ही जो हमारे पोषण का काम करता है वही हमारे शरीर को नेगेटिव एनर्जी से बचाने का भी काम करता है। तो घट स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम एक घड़ा जो होता है जो कि छोटे से साइज में होता है, जिसे हम घट के रूप में जानते हैं, या तो आप उसको अंदर पानी भर लें, अगर वो उपलब्ध नहीं हो पाता है तो तांबे का पात्र रख लीजिए, तांबे का नहीं है तो पीतल का रख लीजिए या चांदी का रख लीजिए, यह आपकी सामर्थ्य है। पर चूंकि शास्त्र सम्मत यह है कि मिट्टी से किया हुआ कोई भी प्रयोग या पूजा वो ईश्वर को स्वीकार्य होती है, जहाँ तक गणेश जी का सवाल है या माता का सवाल है, तो वो मिट्टी से बने हुए जो पात्र हैं, एक तो कुंडा होना चाहिए, उस कुंडे में हम जौ और मिट्टी मिलाकर पानी डाल देते हैं, जिससे कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे जैसे उसमें अंकुरित होगी स्थितियाँ और वो ज्वारे के रूप में परिवर्तित होगी वो हमारी प्रॉस्पेरिटी का कारक माना जाएगा, हमारी समृद्धि का, वो जितने भी ज्वारे ऊपर उठेंगे, जितने भी अच्छे दिखाई देंगे वो हमारी प्रॉस्पेरिटी का कारक होगा। और उधर हम एक पात्र में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसके बाद में अशोक के पत्ते और आम के पत्ते भी उसके अंदर रख लें और एक नारियल उसके ऊपर रख देना चाहिए। इसका तात्पर्य ये होता है कि उसके अंदर हमारे द्वारा 9 दिन तक जो पूजा पाठ की जाएगी तो जो भी मंत्र हमारे द्वारा किए जाएंगे वो मंत्र कहीं ना कहीं वहाँ की मकान की या हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें समाहित हो जाएगी। और उसके बाद जब हम नवरात्रा का पूरा 9 दिन कर लेते हैं तो उस पानी को कहीं ना कहीं घर में छिड़कने का एक शास्त्र विधान है
जिससे कि घर के शुद्धिकरण हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सर एक आखिरी सवाल कि आपने ये चीज़ें बताई जो हमें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा भी है जो हमें इसमें नहीं करना चाहिए, कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपकी दिनचर्या में ब्रह्मचर्य का होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। दूसरी बात ये कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का मद्यपान या किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं माधुर्यता का भाव होना चाहिए। दूसरा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे भाव हमारी माँ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होने चाहिए। हम माँ के सामने मांगने के दृष्टिकोण से पूजा करते हैं और ऐसी स्थिति में आपके भाव कहीं ना कहीं ऐसे होने चाहिए जिससे ऐसा लगे कि आप माँ से कुछ मांग भी रहे हैं और अपने घर की जो आदि व्याधि और नकारात्मक ऊर्जा है उनको खत्म करने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य होना, हमारे द्वारा तन और मन से शुद्ध होना और हमारे आचार विचारों का शुद्ध होना आवश्यक है। और वहीं दूसरी ओर हमारा जो मद्यपान है या मांस मदिरा का जो सेवन है वो निषेध माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे तन और मन दोनों में ही क्या है, अशुद्धता का भाव होता है। और अशुद्ध शरीर से या अशुद्ध मन से अगर हमारे द्वारा कोई पूजा पाठ की जाती है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से विपरीत होता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित व्यास, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नवरात्र की स्थापना करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। और हम भी कामना करते हैं कि ये नवरात्रि माँ दुर्गा आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं अभिषेक, नमस्कार।